नमस्कार दोस्तों, तो मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल पे चैप्टर वाइज एमसीक्यू में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंप्लीट कर रहे हैं। फर्स्ट से सेकंड चैप्टर हमने ये मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि वो छोटा चैप्टर था, उसमें कम क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब जैसा ही जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम कर रहे हैं राजीव रही की एडिशन 2019-20 का कर रहे हैं। चैप्टर वाइज एमसीक्यू है, चैप्टर 3 सॉल्यूशन है और हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक्सप्लेनेशन होगा। हम चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, और फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम वीडियो में करते हैं यहाँ पे। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 3 यूनिट सेकंड, एडवेंट ऑफ द यूरोपियन इन इंडिया। ठीक है, भारत में यूरोपियों का आगमन। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पहला कहता है, कंसीडर द स्टेटमेंट। ये कहता है स्टेटमेंट कि इन द 7th सेंचुरी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द यूरोपियन एंड इंडियन डिक्लाइन ड्यू टू ब्रिटिश पॉलिसी। ओके, बी कहता है द कालिको सिल्क वर डिमांडेड इन यूरोप फ्रॉम अर्थवाइल इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है हम लोगों को इसमें। और हिंदी में कहता है, हिंदी में क्या है कि 17वीं शताब्दी में ब्रिटिश नीति के कारण यूरोपीय और भारत के बीच सीधा संपर्क में कमी आई। अच्छा, ब्रिटिश पॉलिसी के कारण आई थी, ये पूछ बता रहा है। बी कह रहा है कि यूरोप में पूर्व भारत से रेशम की मांग की जाती थी। तो करेक्ट आंसर बताना दोस्तों हमें इसमें। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी। अच्छा, तो अब इसमें मतलब कि ए गलत है। ए क्यों गलत है वो देखेंगे हम। तो इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं कि जो हम टेस्ट लेते हैं वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए हम इसमें वीडियो में एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। तो दोस्तों ये जो 17वीं सेंचुरी था, 17वीं शताब्दी था, ठीक है, इसमें जो भारत का जो यूरोप से संपर्क था उसमें कमी इसलिए नहीं आई थी कि ब्रिटिश पॉलिसी का, नहीं, ये कारण नहीं था। कारण ये था कि जो 17वीं शताब्दी में ना रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अरब जो थे, अरब ने मिस्र और फारस में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, वहाँ पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ इससे, क्या हुआ, जो जब बीच में वो लोग आ गए तो इससे क्या हुआ, यूरोपीय और भारत के बीच सीधे संपर्क में बहुत बड़ी गिरावट आ गई। गिरावट आने के बाद क्या हुआ, बहुत बड़ी गिरावट आई। अब इसमें क्या हुआ, जो भारत से जो कमोडिटी जाती थी, जो भारत से कमोडिटी जाती थी यूरोप में, उसमें क्या हुआ कि इन लोगों ने बीच में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, अरब ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। अब वो उनसे ज़्यादा ज़्यादा टैक्स लेने लगे या उनका माल लूटने लगे, ऐसा करने लगे। ठीक है ना, तो इस वजह के कारण जो भारत का जो यूरोप के साथ जो जो उसमें जो सीधा डायरेक्शन जो डायरेक्ट हमारा जो कांटेक्ट था वो ख़त्म हो गया उससे। और तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता था, कमोडिटीज़ जो थी हमारी, जो सामान हम बेचते थे, क्या क्या बेचते थे। तो दोस्तों हम मसाले बेचते थे यूरोप को, ठीक है, रेशम बेचते थे, और जो स्टोन होते हैं ना, कीमती स्टोन पत्थर, वो भेजा भेजा करते थे। तो इन सब की मांग जो थी भारत में वो यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया स्टेटमेंट। सेकंड चलते क्वेश्चन पे। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि द पुर्तगीज वांटेड टू मोनोपोलाइज द ह्यूजली प्रॉफिटेबल ईस्टर्न ट्रेड बाय एक्सक्लूडिंग कॉम्पिटिटर्स। ओके, बी कहता है कि पेड्रो अल्वारेज कैबरल स्टेबलाइज अ फैक्ट्री एट कालीकट वेयर ही अराइव्ड इन सितंबर 1500। हमको इनकरेक्ट आंसर बताना है दोस्तों, हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं, अच्छे समझ आएगा। कथन पर विचार करें। ये कहता है कि पुर्तगाली बेहद लाभदायक पूर्वी पूर्वी व्यापार पर एक अधिकार करना चाहते थे और प्रतियोगी को निकाल कर। अच्छा, बी कहता है कि पेरो अल्वारेज केवराल ने कालीकट पर एक कारखाना स्थापित किया जहाँ वे सितंबर 1500 में पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो दोनों स्टेटमेंट
ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट तो कह रहा है कि पुर्तगाली चाहते थे कि उनका ही एकाधिकार रहे भारत के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने प्रतियोगी जो इनके कॉम्पिटिटर थे उनको एक्सक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक। और जो दूसरा स्टेटमेंट ये कहा कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने कालीकट पे एक कारखाना स्थापित किया जहाँ वे सितंबर 1500 में पहुँचे। तो दोस्तों इसका आंसर देखते क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर डी है। अब जिन बच्चों ने आंसर अच्छा किया था उस पर टेस्ट में उनके अच्छे हैं, ठीक है ना। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो पुर्तगाल इसका इंटेंशन ये था कि वो चाहते थे कि जो हमारे जो जो आप जो कॉम्पिटिटर है वो ना रहे, ठीक है। और पेड्रो अल्वारेज़ कैडर ने एक फैक्ट्री स्थापित की कालीकट पे, ठीक है ना। क्वेश्चन तीसरा कहता है कि कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग वास्को डी गामा। वास्को डी गामा से रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, ये कहता है कि वास्को डी गामा विजिटेड इंडिया ट्वाइस, वंस 20 मई 1498, सेकेंड अक्टूबर 1502 AD, ठीक है। बी कहता है कि वास्को डी गामा सेट अप अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कैनानोर। वास्को डी गामा सी कहता है वास्को डी गामा डाइड इन इंडिया, ठीक है। अब हिंदी में देख लेते हैं वास्को डी गामा के प्रति संबंध के प्रति हमें विचार करने, ठीक है। ए कहता है वास्को डी गामा ने दो बार भारत का दौरा किया, एक 20 मई 1498 को, दूसरी बार अक्टूबर 1502 में ईस्वी में। बी कहता है वास्को डी गामा ने कैनानोर में एक व्यापारी कारखाना स्थापित किया, और सी कहता है कि वास्को डी गामा का भारत में निधन हो गया। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों इसमें। तो दोस्तों जो ये जो हमारे वास्को डी गामा थे, पहला स्टेटमेंट तो इसलिए गलत हो गया कि जो वास्को डी गामा थे वो दो बार नहीं आए थे, वो आए थे तीन बार भारत आए थे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। और बी स्टेटमेंट वास्को डी गामा सेटअप ट्रेडिंग फैक्ट्री, हाँ ये ठीक है, बी ठीक है। तो ए हमारा अगर एलिमिनेट होता है तो हमारा सी आंसर ऐसे हो जाता है। तो वास्को डी गामा इंडिया में ही उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों। और अगर इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहे तो आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो हमें पहला दूसरा तो पता चल गया कब आए थे। तीसरा वास्को डी गामा आए थे 1524 में, तीसरी बार आए थे 1524 में। और 1524 में जब वो आए थे, सॉरी 1524 में जब वास्को डी गामा आए थे तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए, और इसमें अब एक बात और बताया, तो वास्को डी गामा की बात चल रही है, तो वास्को डी गामा की अगर बात चली रही है तो जो वास्को डी गामा जब आए थे ना 1498 में जब वो आए थे पहली बार, ये वाला 20 मई 1498, तो कालीकट में एक अब्दुल माजिद नामक एक गुजराती पायलट थे। अब्दुल माजिद नामक गुजराती पायलट थे, उन्होंने ही वास्को डी गामा के जहाज को नेतृत्व किया था, ठीक है दोस्तों। और ये गुजराती थे, ध्यान रखना, ये भी आ सकता है कि अब्दुल माजिद नामक का क्या संबंध है पुर्तगाली से, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन फोर कहता है कि कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग एज लॉन्ग एज यू मे बी पावरफुल एट सी यू विल होल्ड इंडिया एज योर्स, एंड इफ यू डू नॉट पोजेस दिस पावर लिटिल विल अवेल फॉर फोर्ट्रेस ऑन शोर, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये कह रहा था कि जब तक आपका मतलब ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये पूछा हुआ है किसने कहा था, ठीक है दोस्तों, कि जब तक आपके ऊपर स्टेटमेंट ये कहा कि जब तक आपके ऊपर पास समुद्र में ताकत है तब तक आप इंडिया को होल्ड कर सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो आपका मुश्किल है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया था आपके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कहा था कि यदि आपके पास समुद्र में ताकत है तो आप इंडिया को कंट्रोल कर सकते हो, यदि नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए मैंने स्टैटिक भी क्वेश्चन रखे, डायनेमिक भी क्वेश्चन रखे, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन कहता है कि इन 1507 द पुर्तगीज स्क्वाडन वाज डिफीटेड इन द नेवल ऑफ बैटल ऑफ ड्यू बाय द कंबाइन इजिप्शियन एंड गुजरात नेवीज, ठीक है। बी कहता है अल्फांजो दी अल्बुक्योर्क्यू पॉलिसी वाज नोन एज अ ब्लू वाटर पॉलिसी। अगर मैं किसी का नाम प्रोनाउंसिएशन में गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ देख लेना। सी कहता है अल्फोंजो दी अल्बुक्योर्क्यू वाज द रियल फाउंडर ऑफ द पुर्तगीज पावर इन ईस्ट। डी कहता है अल्बुक्योर्क्यू एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510, ठीक है। तो हिंदी में कथन देख लेते एक बार, समझ आएगा अच्छे से। ये कहता है कि 1507 में पुर्तगाल स्क्वाडन को द्वीप के एक नौसैनिक युद्ध में हराया गया था, किसके द्वारा? जो संयुक्त मिस और गुजरात की नौसेना के द्वारा, चलो ठीक है। बी अल्फांजो दी अलबर्क नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, अच्छा ठीक है। सी कहता है कि अल्फांजो दी अलबर्क पूर्व में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। डी कहता है कि अलबर्क ने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा का अधिग्रहण किया था। हमें करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों इसका, तो देखते हैं कि करेक्ट आंसर इसका का आंसर क्या है। तो दोस्तों अब हम इसका आंसर देखेंगे, तो आंसर देखते हैं हम दोस्तों, इसका आंसर है डी, ए सी डी। अच्छा फिर इसमें हमारा मतलब ये हो गया कि बी, तो बी गलत हो गया। तो जो अल्फांजो डी अल्बुक नीति को ब्लू वाटर पॉलिसी के रूप में जाता है, नहीं दोस्तों, इस जो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति थी ये थी अल्मीडिया की थी ब्लू वाटर की पॉलिसी, ठीक है दोस्तों। इन अल्मीडिया के बारे में बता दूँ, जो अल्मीडिया जो चाहते थे ना, उनकी दिश जो चाहते थे कि जो पुर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाने की नीति थी, तो वो चाहते थे कि जो पुर्तगीज हो वो पूरे हिंद महासागर का एक उनका उनके अंदर प्रभुत्व हो, उनके अंदर उसका कंट्रोल हो, तो इसी को ही वाटर पॉलिसी कहा जाता था, और इसको कार्टेज सिस्टम भी कहा जाता था। अल्मीडिया का क्वेश्चन आ सकता है कार्टेज सिस्टम किसे कहा जाता है, कार्टेज सिस्टम कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी को, ठीक है। और इसमें एक बात हो रही है कि जो जब गुजरात और इजिप्शियन की लड़ाई हुई थी ना, गुजरात और इजिप्शियन की लड़ाई हुई थी नेवी की पुर्तगाली से, तो इसमें अल्मीडिया का बेटा मारा गया था। क्वेश्चन 6 कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट ए टबाको एंड कैस्योनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डच, ठीक है। बी कहता है पुर्तगीज नेवर हैड हेडक्वार्टर इन गोवा, ये दो वाली हेडक्वार्टर इन गोवा, ठीक है। करेक्ट आंसर बताना है, मैं हिंदी में देख रहे थे। तंबाकू और काजू जैसी नई फसलों की शुरुआत डच ने भारत में की थी, डच ने की थी, किसने की थी ये आपको देखना है। पुर्तगालियों का मुख्यालय कभी गोवा में नहीं था, ठीक है। हमें करेक्ट आंसर बताना है, तो देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका डी है, ठीक है। मतलब ये आंसर है, तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर दोस्तों ये जो तंबाकू काजू का था, इसकी शुरुआत जो थी ये आपकी इसने की थी, क्या कहते हैं, ये आपकी पुर्तगीज ने की थी, ठीक है। और पुर्तगीज का मुख्यालय कभी गोवा में ही था, नहीं गलत, जब जब 1529 में नीनो दा चुन्ना थे, उन्होंने भारत में पुर्तगाली के हितों के गवर्नर का पद संभाला, उन्हें जो भारत में नीनो दा चुन्ना को पुर्तगाली के जो हित देखेंगे उसके लिए गवर्नर बनाया गया, और नीनो ने ही क्या किया था, हम नीनो बोलेंगे, ने नीनो ने क्या किया था कि नीनो ने जो अपना जो पुर्तगाली सरकार का जो मुख्यालय था कोचिन से गोवा में ट्रांसफर किया था, तो नीनो ने किया था कोचिन से गोवा में ट्रांसफर किया था, ठीक है दोस्तों। तो नीनो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन 7 पे कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेवरेबल कंडीशन फॉर पुर्तगाल, तो पुर्तगाल के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या थे उसके बारे में बताना है। तो ए स्टेटमेंट कहता था नॉर्थन पार्ट वाज मच डिवाइडेड अमंग मैनी स्मॉल पावर। बी कहता है इन द डेक्कन द बहमानी किंगडम वाज ब्रेकिंग अप इनटू स्मॉलर किंगडम, ठीक है। सी कहता है इन द फार ईस्ट द इम्पीरियल डिग्री ऑफ द चाइनीज एम्पायर लिमिटेड द नेविगेशन रीच टू चाइनीज शिप। करेक्ट आंसर में बताना है, हिंदी में देख लेते हैं तब समझ आ जाएगा अच्छे से। पुर्तगालीज के लिए अनुकूल परिस्थिति के बारे में कथन का विचार कीजिए। पहला कहते हैं उत्तरी भाग बहुत सी छोटी शक्तियों में विभाजित था, क्या ये भी कारण था पुर्तगीज का इतना डेवलप करना। बी कहता है दक्कन में बहमानी साम्राज्य छोटे राज्यों में टूट रहा था। सी कहता है कि सुदूर पर में चीनी साम्राज्य के कई फरमान ने चीनी जहाज़ों के नौवहन की पहुंच को सीमित कर दिया था, मतलब जो चाइनीज़ के जहाज थे वो एंटर नहीं कर सकते थे, तो ऐसा था क्या। तो करेक्ट आंसर में बताना था क्या ये सारी फेवरेबल कंडीशन है इसकी पुर्तगालीज की, तो हाँ दोस्तों इसका आंसर सी है, ये तीनों कंडीशन फेवरेबल थी पुर्तगालीज के हित में थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 8वां देखते हैं, कंसीडर द स्टेटमेंट है। पहला कहता है और पुर्तगीज स्टेबलाइज मिलिट्री पोस्ट एंड सेटलमेंट ऑन द ईस्ट और ईस्ट कोस्ट एट सैंथोम जो कि चेन्नई में है एंड नागापट्टनम जो कि आंध्रा में, ठीक है। बी कहता है द पुर्तगीज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया वर ऑल्सो द लास्ट टू लीव दिस लैंड। पुर्तगीज जो थे पहले भारतीय पहले थे जो यूरोपियन जो इंडिया आए थे और लास्ट में गए थे। सी कहता है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पुर्तगीज वर टॉलरेंट, जो धार्मिक पॉलिसी थी उनकी बहुत टॉलरेंट थी, तो करेक्ट आंसर में बताना है। तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाता है क्योंकि धार्मिक मतलब ये इनटॉलरेंट नहीं थे, बताऊंगा तुम। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पुर्तगालीज ने सैंथोम चेन्नई में और नागरपट्टनम आंध्रा में पूर्वी तट पर सैन्य चौकियों की बस्ती की स्थापना की, ठीक है। पुर्तगालीज भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे जो अंतिम में गए, ठीक है। पुर्तगालीज की धार्मिक नीति सही सुन थी, तो सी स्टेटमेंट हमारा ऐसे गलत होता था, इसका आंसर हमारा ए भी है, मतलब ये दोनों ठीक है, सी गलत है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मैं आपको बता दूँ एक बात, इसमें जो पुर्तगीज थे ना वो टॉलरेंट नहीं थे, बहुत इनटॉलरेंट थे। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या किया, मुस्लिम के प्रति बहुत इनटॉलरेंट थे, ठीक है, और हिंदू के प्रति थोड़े कम थे एज़ कम्पेयर टू मुस्लिम, ठीक। अब उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उनका जो वर्चस्व बढ़ता चला गया तो उन्होंने हिंदुओं का भी प्रोसिक्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो वो कन्वर्जन करते थे, ठीक, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा कन्फ्लिक्ट होता था और वो चाहते थे कि हमारी ही पॉलिसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए भारत में, वो दूसरी कोई पॉलिसी नहीं चाहते थे, तो इसलिए। तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों, ठीक है, इसका आंसर है हमारा सॉरी। तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द स्टेटमेंट, 9th क्वेश्चन कहता है कंसीडर द स्टेटमेंट इन 1608 कैप्टन विलियम हॉकिंग टू द मुगल कोर्ट ऑफ जहांगीर रिक्वेस्टिंग परमिशन टू डू बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। बी कहता है जहांगीर अपॉइंटेड विलियम हॉकिंग एज अ मनसबदार ऑफ 400 एट सैलरी ऑफ ₹30,000। तो हमें करेक्ट आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंग्स ने जहांगीर के मुगल दरबार में भारत में व्यापार करने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया, ठीक है, 1608 में कैप्टन विलियम ने। फिर के बी स्टेटमेंट कहता है कि जहांगीर ने विलियम हॉकिंग्स को 30,000 रुपये के वेतन पर 400 के मनसबदार के रूप में नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर बताएं दोस्तों इसका, वो तीसरे का। तो तीसरे का आंसर दोस्तों इसमें है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो आंसर है सी, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंग थे वही जहांगीर में आए थे कि हम भारत में बिजनेस कर सकते कि नहीं कर सकते,
ठीक है। इसके बारे में आपको मैं एक बात और बता दूं, जब 1608 में हॉकिंग आए थे ना और पहली बार उतरे थे सूरत में, हॉकिंग ठीक है, सूरत में उतरे थे, और वो अपने साथ जो वहाँ के राजा थे जेम्स आई, उनका दिया हुआ पत्र लेके आए थे ठीक है। और वही पत्र उन्होंने जहांगीर को दिया और उनसे अनुरोध किया कि हमें भारत में बिजनेस करने दिया जाए। तो ये था ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन 8, कंसीडर द स्टेटमेंट। ये कहता है, पुर्तगीज नॉट ओनली मेड मनी एज अ ट्रेडर बट आल्सो रेज द वॉइस अगेंस्ट क्रूअल स्लेव ट्रेड। ठीक है, भी देखते हैं। अंडर द रूलिंग ऑफ शाहजहाँ कासिम खान वाज बंगाल गवर्नर। जब ही स्टेटमेंट कहता है अंडर द रूलिंग ऑफ शाह, सी कहता है बाय द 18th सेंचुरी द पुर्तगीज इन इंडिया लॉस्ट देयर कमर्शियल इन्फ्लुएंस फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हमें करेक्ट आंसर बताना है, एक बार हिंदी में क्वेश्चन देख लेते फिर समझ आएगा अच्छे से। ये कहता है पुर्तगालीज ने ना केवल भारतीयों व्यापारियों के रूप में पैसा कमाया बल्कि कूटदास व्यापार के खिलाफ भी आवाज़ उठाई। क्या ऐसे था क्या? बी, कासिम खान शाहजहाँ के शासन के तहत बंगाल के राज्यपाल थे। चलो ठीक है, सी देखते हैं। 18वीं शताब्दी तक पुर्तगाली ने भारत के सभी हिस्सों में अपना व्यावसायिक प्रभाव खो दिया था। करेक्ट आंसर बताना दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका बी, आंसर है ए और सी गलत है। ए सी गलत है क्यों है? तो क्या पहला स्टेटमेंट ए सी ये कहता है कि पुर्तगाल ने केवल व्यापारी के रूप में पैसा नहीं कमाया बल्कि दास व्यापार। नहीं दोस्तों, पुर्तगाली जो थे वो क्या करते थे, वो ये करते थे कि जैसे कि हिंदू मुस्लिम के बच्चे हो गए ठीक है, क्योंकि ये इंटॉलरेंट थे रिलीजियस के प्रति, और उनको उनको एज अ स्लेव रखते थे अपने पास ठीक है, उनका ट्रेड करते थे एज अ स्लेव, और उनको बड़ा करते थे, पालते पोसते थे एज अ क्रिश्चियन ठीक है, एज अ क्रिश्चियन की तरह उन्हें पालते पोसते थे। 18th सेंचुरी तक, 18वीं शताब्दी तक जब पुर्तगीज थे अपना कमर्शियल इन्फ्लुएंस खो चुके थे, पूरी तरह तो नहीं खोए थे ठीक है ना, पुर्तगाली ने तो पूरी तरह नहीं खोया था, लेकिन स्टेटमेंट क्या कहता है कि सभी हिस्सों से नहीं, कि उनके जो इंडिविजुअल जो कैपेसिटी थी ना, इंडिविजुअल पर्सन जो थे जो भी बिजनेस करते थे वो जगह जगह थे ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी जगह पे थे, तो पूरी तरह तो ख़त्म नहीं हुआ था ठीक है ना, तो इसलिए आंसर ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरी जो एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो कल हम चैप्टर 3rd का करेंगे ठीक है, तो टेस्ट देते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।